रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर आ रहे थे बुकिंग करवाने बाइक की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई ये वाला व्लॉग शुरू हो रहा है सीधा भाई दिल्ली से, और दिल्ली से क्या गाड़ी ठीक करवाने आ रखे हैं। आज सैटरडे है भाई, गाड़ी ठीक करवा ला मैं, टाइम बाद में तो मिल रहा है ना मिल रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ था वो वाला ठीक नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो वाला हो गया एजेंसी में। यहाँ पे भाई गाड़ी की सर्विस करवानी थी। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ही बोला था कि सैटरडे को दिल्ली जाना है, मेरे को एक शादी में भी जाना है, कल जाना है वो शादी में। आज भाई माँ गाड़ी ठीक करवा लिया। हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली आज भाई जो पिछली बार मैं बुलेट के शोरूम में जाऊँ था ना बाइक बुक करवाने, तो उस दिन तो एक्सीडेंट हो गया भाई, रहने मतलब टाड़ हो गई थी। आज का प्लान है भाई अपना कि आज जाऊँगा अभी यहाँ तक गाड़ी ठीक करवा के। आगे देखो बोनेट वोनेट खुल गया गाड़ी का, यहाँ पे ठीक करवाना आ गया। गाड़ी ठीक करवा कर फिर जाऊंगा सीधा भाई बुलेट के शोरूम में। भाई आने लग रहा है मेरा पीछे स्कूटी पे, उसके साथ जाऊंगा। देखो फिर ताऊ जी आ जाएंगे, वे कहीं पर जा रहे हैं काम पे, तो वे भी आ जाऊंगे, फिर बाइक देख कर आवाएंगे, आज स्वाद आ जाएंगे। हो सका तो मोस्ट प्रोबेबली बुक भी करवा देना, शायद ना भी करवावा, वो वहाँ पर जाकर देखेंगे भाई जी साहब भी होगा। फिलहाल एक बार गाड़ी नीचे उतर लें भाई, इसका देख लें कि क्या चेंज होना है, ब्रेक चेंज होने हैं और इंजन ऑयल चेंज होना है, नॉर्मल सर्विस होनी है, तो जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। भाई अपना भाई आ गया है और हम चले गए थे यहाँ पर गाड़ी की सर्विस होती है, तो मैं इतना बुलेट के शोरूम में देखा हुआ हम आसपास कोई हो वहाँ पर के क्या हुआ है, कितने का की है। उसके बाद ये कि पापा वापा फ्री हो जाते, पापा लोग फ्री हो जाते यहाँ तक, तो फिर इनके साथ चलते बुकिंग वुकिंग का देख कर आते। तो बुलेट का शोरूम तो भाई आसपास मिला नहीं है, यहाँ तक 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर, तो स्कूटी पर 8-10 किलोमीटर दूर जाने में के करांगे, तो मैं गाड़ी ठीक हो जाओ आधे घंटे में फिर लेके चलते हैं। गाड़ी का काम होने लग रहा है, तो तेल डल अंकल। हाँ जी, ये इंजन ऑयल डल रहा है। और क्या क्या काम हो गया अब तक? प्लग डल गए। अच्छा, अभी वो गियर ऑयल डालना है और वो ब्रेक डिस्क चेक करूंगा। अच्छा, ब्रेक डिस्क चेंज होंगे और जैक चेक का, ये इसके सोकर वाले वो चेक हो गए? सोकर अभी नहीं चेक, अभी दिखाते। सोकर वाले चेक हो जाएंगे भाई अपने, ब्रेक डिस्क चेक हो जाएंगे, इंजन ऑयल चेंज हो गया है, प्लग डल गए हैं, एयर फिल्टर वगैरह चेंज करा, वो सब चेंज हो गया भाई, ये एयर फिल्टर वगैरह सारी चीज़ चेंज हो गई है और ये सारा चीज़ ठीक हो जाएगी। और इसका सिस्टम भाई देखेंगे इसके बाद। फिलहाल तो पापा लोग सलाह कर रहे हैं कि या तो बुलेट ले ले भाई, या नई गाड़ी ले ले, मैं नई गाड़ी ले तो फिर स्कॉर्पियो लो तो देखा है भाई, फिलहाल तो बुलेट का है पर नई गाड़ी का भी देख रहे हैं, तो प्लान के बरा किस साइड किस तरफ घूम जा, बुलेट तो ही बुक करवाऊंगा और नई गाड़ी का अगले साल देख लें भाई, क्योंकि गाड़ी यार मन को यहाँ पसंद गाड़ी इतनी मन बाइक बुक ये सारी चीज़ पसंद, तो गाड़ी माया ठीक है यार, या चाली जाएगी इतनी थोड़ी बहुत टाइम चल रहा है, अगले साल 2 साल पाछा अपनी मनपसंद की जो भी होगा हम अपने खुद ले लेंगे। ये भाई गाड़ी ठीक हो जावे है, सर्विस वर्विस की डन, उसके बाद चल लाँगे सीधे बुलेट के शोरूम में बाइक बुक करवा के आवेंगे, स्वाद आ जाएंगे आज। तो भाई हमारी गाड़ी की सर्विस हो गई, सारा काम हो गया, सब कुछ करवा लिया इसका, ओके बस वो इंश्योरेंस वाला काम रह गया वो भी करवा लेंगे। और फिलहाल निकल लिया है भाई, वहाँ एक बार पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, आगे हवा चेक करवानी है गाड़ी में, हवा कम हो रही थी इस गाड़ी की, हुआ है फिर उसके बाद अपना नंबर आओगे अपनी हवा चेक करवा लेवांगे और उसके बाद जावांगे भाई। प्लान बनने लग रहे कि मंगोलपुरी है पास पास कोई बुलेट का शोरूम, तो आप मंगोलपुरी बुलेट के शोरूम में जावांगे, देखेंगे जो भी होता है फिर वहां पर जाकर आपको बताता हूँ मैं, ठीक है बाय। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, और यहाँ पे एक बाइक का भैया नुकू यहाँ पसंद है, मैं नुकू मन वहाँ पसंद है, क्लासिक साढ़े 300 अभी 20 सेप्टर खड़ी है अंदर भाई, एक बाव है वो दिखाओगे हम अपनी, और तो देखा ही भाई, तो देखो भाई कौन सी का के वो होगा, फिर आप तो एक बकर के बाद फिर बताते हैं। तो भाई इतनी सारी रॉयल एनफील्ड खड़ी है और इस साइड ये मीटियोर है, स्टैंडर्ड है, मन जो पसंद है वाया है मैट ब्लैक क्लासिक 350। एक तो यो कलर पसंद है, एक उस साइड है सिल्वर कलर, वो मैट सिल्वर है वो, एक वो पसंद है। तो देखो भाई बात कर रहे हैं भैया, बात कर रहे हैं तो जब इस साइड ये मीटियोर और हिमालयन और ये सारी साइड टाइप की है,
हाँ जी गाइस, भाई तो आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, भाई रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर आ रहे थे बुकिंग करवाने बाइक की, और जिस चीज का डर था ना वो ये चीज होया भाई। क्लासिक 350 मैंने वीडियो में बता दी भाई, जो उनसे मैंने पसंद है मैट ब्लैक कलर सारा बढ़िया, निकल लो जहाँ मान लागे ट्रैफिक, जिस चीज का डर था ना वो ये चीज होया भाई। इस पर भी वेटिंग बता दी लगभग 40 से 50 दिन की, यार 40 से 50 दिन की वेटिंग तो गलत है, वेटिंग के ऊपर तो यहाँ पे पूछना आए थे, वेटिंग तो वहाँ पे भी थी। तो फिलहाल देखा है भाई, भैया ने कही है मैं थोड़ी जानकारी वानकारी काट गए करूँ हूँ जुगाड़, तो मैं करो भैया जुगाड़, तो जुगाड़ हो जाए उसके बाद देखा है भाई। फिर बुकिंग तो क्या करवानी है, सीधी कटवाए ले आवाँगे, बुकिंग तो जब होया जब भाई वेटिंग थोड़ी लंबी हो जाए और मैं तो भैया जुगाड़ लगावा है, जुगाड़ भाई सही हो गया तो अपनी कटवाए ले आवाँगे, ना सही होया तो भाई देखा है फिर बुकिंग वुकिंग करवाने का सिस्टम देखेंगे। तो ये फिलहाल मम्मी का फोन आ गया, बोला कड़े चले गए तुम कड़े चले गए, मैं आने लग रहा घर पे, तो मम्मी तो चले उड़े घर ने चलावा भाई, घर ने जाकर भाई मम्मी ताई ताऊ सारी बात देखे हैं, खाना वाना बन रहा सुबह के नहीं भूखे लकड़ रहे हैं कम मैं नहीं खा पी रहे, 3 बज गए तीन न्यूए घूमन लग रहे हैं, तो ये जाओ भाई सीधे घर पे। तो भाई सीधे घर पे आ गए हाँ, और घर पर आकर आराम से थोड़ी देर में सो गया था 1-2 घंटा, अभी टाइम शाम के 5:30 के करीब हो रहा है, भाई अर भी सो गए थे, पापा भी सो गए, ताऊ जी टीवी देख रहे हैं, मम्मी और ताई जी दोनों चले गए भाई मार्केट में कुछ सामान वामान लेने, और आज सैटरडे जैसे तो कल संडे, कल शाम की शादी है उस शादी में जाना है, और परसों मंडे से है मेरे एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स भी देंगे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा, इतना थोड़ा बहुत आता ही है पास होने लायक, तो अभी भाई को उठा के आया था, मैं कहा जल्दी उठ ले 5:30 हो गया बाहर चलेंगे यार डोलने ऐसे ही, तो उसको उठा के आया हूँ 10 मिनट बोला 10 मिनट में उठ जाऊँगा, वहाँ चल ठीक है 10 मिनट में जल्दी उठ जा, और उसके बाद सीधा भाई वो उठ लेता है, उसके बाद निकलते हैं सीधा कहीं डोल के आते हैं, देखते हैं जहाँ भी जैसा भी होता बताता हूँ आपको। और भाई बुलेट का मैंने आपको बता दिया, मैं आपको प्राइसिंग का और बता देता हूँ, मेरे को 2 टाइप की पसंद आई थी, एक तो थी क्लासिक में ही, क्लासिक जैसे मेरे को लेनी है भाई क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड, क्लासिक 350 में 2 वेरिएंट मेरे को पसंद आए थे, एक तो मैट ब्लैक वाला और एक डबल कलर वाला जिसमें 2 कलर का मिक्सअप करके कुछ ऐसा होता है, एक तो वो और एक मैट ब्लैक, उसमें अलॉय वलॉय सब कुछ मतलब डल के आते हैं कंपनी फिटेड बढ़िया उसमें वो होता है, तो वो वाली तो भाई थी 2.5+ जा रही थी, और जो डबल कलर वाली थी वो आ रही थी 2.20-2.25 के करीब, तो पसंद मेरे को भाई, और दोनों पे वेटिंग थी 40-45 दिन की 50 दिन की। तो अभी बहादुरगढ़ है एक शोरूम, वहाँ वाले में मैंने पता नहीं किया है, एक बार टाइम जिस दिन मिलता है उस दिन तो भाई उधर बहादुरगढ़ वाले में ही जा रहा था, उस दिन एक्सीडेंट हो गया, तो जिस दिन टाइम मिलता है भाई उस दिन बहादुरगढ़ वाले शोरूम में जाऊँगा, वहाँ पर पता करूँगा इन बाइक्स का क्या रेट है, और फिर देखते हैं भाई कि क्योंकि फिर मेरे को चाहिए ना HR नंबर चाहिए, मेरे को दिल्ली DL नंबर नहीं चाहिए, तो उस पर भी फिर दिक्कत आएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हरियाणा से बुकिंग करवा के वहाँ से निकलवाऊँ, बहादुरगढ़ से या आसपास कहीं से रोहतक से या कहीं से, तो जैसा भी होता भाई देखते हैं, अभी तो फिलहाल बुकिंग नहीं करवा के आए क्योंकि इतनी वेटिंग है, पहले एक बार देख लेते हैं पूरा, उनका नंबर वंबर लिया है मैं सारी बात कर ली, तो कुछ अगर वो जल्दी हो जाती है बुकिंग का सीन, क्योंकि भाई वो बोले 40-45 दिन में मैं ले लूँ बाइक, क्योंकि मेरे को चाहिए जनवरी के 10-15 तारीख तक चाहिए मेरे को बाइक, उसके बाद मेरे को कहीं जाना है ट्रिप पे बाइक पे, तो 10 तारीख तक मेरे को बाइक चाहिए, तो मैं कहा भाई जब तक दे दो, बोला सर मिल जाएगी, मैं कह यार जब तक मेरे को चाहिए फिर 2023 रजिस्ट्रेशन में, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं मैन्युफैक्चरिंग 2023 चाहिए मेरे को, क्योंकि जो दिसंबर के महीने में बाइक मैन्युफैक्चर होते हैं वो 2023 के मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, अब वाले में नहीं आएंगी, और जो अभी बाइक्स बन चुकी हैं वो आएंगी 2022 वाले में, वही बाइक देंगे मेरे को अगर मैं अभी लेता हूँ तो, मैं भाई जो 2022 वाली मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हो तो उस पर फिर वेटिंग ख़त्म करवाओ या तो हाथों हाथ दो मेरे को, और भाई अगर तुम दे रहे हो कि 40-45 दिन वेट करके, तो मैं कह भाई फिर मेरे को चाहिए 2023 की मैन्युफैक्चरिंग वाली, तो वो वाला सारा सीन देखते हैं भाई जैसा भी होता है, फिलहाल तो एक बार उसकी वेट कर रहा हूँ वो आ जाता है उसके बाद निकलते हैं। गुड इवनिंग गाइस, ये भाई अगला दिन, और आज हम लोग लो रुमाल आ गया, आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, सारा भाई नहा धो कोल सेट हो गया, पापा भी तैयार, पीछे ताऊ जी भी तैयार हो गए हैं, मम्मी तैयार, भाई तैयार, भाभी तैयार, सारे तैयार, ताई जी भी हैं इधर उधर होंगी, ताई जी भी तैयार होगी, सारे तैयार हो गए, मेरा नहीं बाला का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैंने वो साबुन सुबुन सा लगा लिया, मैं लगाया ना करूँ जनरली,
तो कोई ना फिलहाल शादी खातर निकला भाई, मां दो दिन का एक व्लॉग तैयार कर दूंगा सीधा। बोल बोल जोड़ता बोल जोड़ता बोल बोल रहा शेष टाइम। तो भाई अभी निकल रहे हैं, आप पीरागढ़ी में कोई वो है बैंकेट हॉल है वहां पे प्रोग्राम, तो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, 7 बजे तक 7:30 तक पहुंचेंगे वहां पे। रास्ता हो 10 मिनट का, लेकिन जाम मिलेगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। और एक और आपको बता दूं, कल मंडे एग्जाम है मेरा, पर पास हो जाऊंगा। पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल सीधा निकलते हैं, आपसे वहां जाके मिलता हूँ, ठीक है बाय। तो भाई शादी की क्लिप आपने देख ली होंगी, उनमें मैंने गाना लगा दिया क्योंकि यार यहाँ पर गाने की वो कॉपीराइट वाले गानों गाने बज रहे थे ना, तो उस वजह से मैं वहाँ अपना गाना लगा देंगे जिस पर कॉपीराइट ना आवे। और भाई जाम देख लो, बुरा हाल हो रहा है जाम में, जाम में फंस रहे हैं यहाँ पे। इस बैंकेट हॉल से निकले थे, और भाई का देख लो भाई, ऑफिस का काम जब मैं खुद का काम धंधा कर लो यार, ऑफिस ऑफिस में कुछ ना है। शादी भी सही था, अटेंड ना कर पाते, काम में लगे रहो है। कमा तो भाई का ब्याह हो गया। कमा ये ऑफिस अलग अलग बसड़ हो जाए है। तो मम्मी यार तो भाई लगेगा टाइम, वे आ जाएंगे अपना टाइम तो। हम निकला, खाना वाना खा लिया, सारा हो गया, मैं आपका दुखी हो गया, सर में दर्द होने लगे, गाने बाज बाज के एकदम। चाबी नहीं है मम्मी, चाबी गाड़ी में रख रखी है। तो भी चाबी अपनी गाड़ी में है, मैं बोली पापा अपनी गाड़ी वाली में से निकाल के दे दो, बोला अपनी गाड़ी की चाबी पार्किंग वाले के पास है। तो किसके घर चलना है? किसके घर जाएंगे अब? थोड़ी देर में आऊंगी। चलो ठीक है भाई, आ जाएंगे, वो भी अभी तो ना वेट कर लेंगे। इससे अच्छा इधर ही खड़े रहो, ऐसा बोल रही है भाभी। देखते हैं भाई, तो कोई ना वो तो हो जाएगा भाई, आ जाएंगे, चाबी मिल जाएगी। फिलहाल इस लोग को कर देते हैं भाई, एंड शायद लंबा हो गया होगा। आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, चैनल पे नए हो तो। और मिलते हैं जल्दी ऐसे एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।